स्टैंडर्ड 6 साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले टेस्ट फॉर प्रोटीन और टेस्ट फॉर फैट। इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाई किया था टेस्ट फॉर स्टार्च के बारे में। टेस्ट फॉर स्टार्च में हमने पढ़ा था कि हमें किस तरह से फूड आइटम को चेक करना है और फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंस है कि नहीं है। तो वो लेक्चर के अंदर हमने देखा था, सबसे पहले हमें फूड आइटम लेना है, उसके बाद हमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन के सॉल्यूशन डालने के बाद अगर वो फूड ब्लू ब्लैक कलर शो करता है, इंडिकेट करता है, तो उसका मतलब है कि वो फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंस है। तो आज हम देखने वाले कि वो फूड आइटम, अलग अलग तरह के फूड आइटम्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंस है कि नहीं है और फैट प्रेजेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला, टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। ग्राइंड इट और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। Add 10 drops of water to it and shake the test tube. Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the content of test tube turns violet? A violet color indicates presence of protein in the food item. Now you can repeat this test on अदर फूड आइटम्स। तो किस तरह से चेक करना है, सबसे पहले हमें फूड आइटम लेना है, उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है या फिर कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन डालना है। ये सॉल्यूशन डालने के बाद अगर वो फूड वायलेट कलर बताता है, अगर वो फूड चेंज होता है वायलेट कलर में, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर वो फूड आइटम के अंदर प्रोटीन की प्रेजेंस है। अगर वो फूड आइटम वायलेट कलर नहीं बताता है, उसका मतलब है वो फूड आइटम के अंदर प्रोटीन की प्रेजेंस नहीं है, राइट। इस तरह से हमें चेक करना है, बहुत इजी है। फूड आइटम लो, सॉल्यूशन डालो, यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है या फिर कॉस्टिक सोडा का। ये दोनों सॉल्यूशन में से कोई भी एक सॉल्यूशन आप डाल सकते हो। ये सॉल्यूशन डालने के बाद अगर वायलेट कलर चेंज हो रहा है फूड आइटम, उसका मतलब है प्रोटीन की प्रेजेंस है। अगर नहीं चेंज हो रहा है, उसका मतलब प्रोटीन की प्रेजेंस नहीं है। स्टार्च के अंदर हमने यूज़ किया था आयोडीन का सॉल्यूशन और प्रोटीन के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अभी टेस्ट फॉर फैट। टेस्ट फॉर फैट। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, ड्रॉप इट इन ए piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have oil patches? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? अभी आपको क्या करना है, कोई एक फूड आइटम लेना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समोसा हो गया। यहाँ पे अगर आपने समोसा ले लिया और समोसा को पेपर से ढक दिया, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ढकना होता है, पेपर से ढकना होता है। तो अभी आपने पेपर से ढक लिया बराबर समोसा को, उसके बाद क्या करना है आपको कि समोसा को निकाल देना है। कुछ देर के बाद समोसा को निकाल देना है और पेपर को आपको लाइट में देखना है। क्या आपको ऑयल पैचेस नज़र आ रहे हैं, ऑयल के धब्बे आपको नज़र आ रहे हैं? तो हाँ, ऑयल के धब्बे आपको नज़र आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि समोसा के अंदर क्या होता है, ऑयल होता है, राइट। और जो लाइट है, जहाँ पे ऑयल के पैचेस है, वहाँ पे लाइट अच्छे से एंटर नहीं हो पा रही होगी। आपको आपको दिख रही होगी लाइट वहाँ से, वहाँ पे आपको लाइट दिख रही होगी, थोड़ी थोड़ी आपको वहाँ पे लाइट दिख रही होगी। एंड ऑयल पैचेस ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। द फूड आइटम मे सम टाइम कंटेन ए लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल।
If you wear any water, that may have come from food, it would dry up after some time. If no oil patches show up after this, the food item does not contain any fat. तो यहाँ पे यही लिखा है, आपको क्या करना है, कोई फूड आइटम लेना है, ड्रॉप करना है पेपर से, बाद में आपको देखना है लाइट के अंदर कि वहाँ पे ऑयल के पैचेस है कि नहीं है. अगर ऑयल के पैचेस वहाँ पे है, अगर वो पेपर के अंदर है, बराबर, आपने जो पेपर में समोसा रखा था, अगर वो पेपर के अंदर ऑयल पैचेस है, उसका मतलब क्या है, वो फूड आइटम में फैट की प्रेजेंस है, बराबर. अगर यहाँ पे फूड पैचेस नहीं होते, उसका मतलब क्या है, ये फूड के अंदर ऑयल की पैचेस, वो फूड आइटम के अंदर फैट नहीं है यहाँ पे, बराबर. वो फूड आइटम के अंदर फैट प्रेजेंस नहीं है. What do this test show? After fat, protein and starch present in all the food item that you tested, does a food contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of this nutrient? We tested food item for three nutrients, carbohydrate, protein and fat. There are also other nutrients like vitamin and mineral. What are present in different food item? Why do we need all these nutrients? तो अभी हमने देखा ये तीन तरह के फूड आइटम के बारे में, ये तीन तरह के फूड आइटम के टेस्ट के बारे में. इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट है, जैसे विटामिन और मिनरल. बाद में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है हमें, व्हाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट, तो हमें ये सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत क्यों है, राइट, ज़रूरत क्यों है. तो हमने ये स्टैंडर्ड 6 के अंदर देखा था कि हमें सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत क्यों है. कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, हम काम कर पाते, राइट, अलग अलग तरह के. तो वो हम काम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत है. तो हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें एनर्जी मिलती है. उसके बाद प्रोटीन से हमारी मसल की बिल्डिंग होती है, हमारा मसल बनता है प्रोटीन से, राइट. उसके बाद विटामिन और मिनरल के बहुत अलग अलग तरह के विटामिन ए बी सी डी होते हैं, विटामिन के अलग अलग तरह के टाइप होते हैं और अलग अलग तरह के काम होते हैं, और मिनरल भी अलग अलग तरह के होते हैं, राइट. मिनरल जैसे कि जिंक, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और हर एक मिनरल के हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के काम होते हैं. तो अभी हमने बेसिकली देखा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में और फैट के बारे में, इसके टेस्ट के बारे में, ठीक है. तो अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी.